कैथल में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के किसानों ने कैथल शुगर मिल के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अभी तक सरकार ने समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया है। अन्य राज्यों में गन्ने की कीमत ज्यादा है और हरियाणा में कम है, जबकि खाद, दवाई, मजदूरी सब कुछ बढ़ चुकी है। इसलिए हमारी मांग है कि गन्ने की कीमत 450 रुपए प्रति क्विंटल की जाए। आज ये सांकेतिक जाम है, अगर सरकार अपनी मनमानी करती रही तो एक बड़ा आंदोलन होगा। किसान अपना हक लेकर रहेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक महीने से भी ज्यादा शुगर मिल को चले हो गए किसान, गल्ला डाल रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव की घोषणा नहीं की। किसान असमंजस में है, वे उनका गन्ना किस भाव खरीदा जा रहा है। तो सरकार से यही मांग है हमारी, किसान खेत छोड़ कर सड़कों पर आकर खुश नहीं है। किसान को तो खेत में होना चाहिए, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण आज देश का किसान सड़कों पर खड़ा है, क्योंकि शुगर मिल ने हरियाणा सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। हरियाणा सरकार छाती पर हाथ मार के कहती थी वह हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जाम ला रखा, जाम लुआवा गवर्नमेंट है, मारा खोट नहीं है, मारा बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट जी हमने तंग भी कर लिए नहीं, मारा बस का काम नहीं, हमने तो मरना है गोलिया पाए, चाहे तो रेट दे दो, कुछ भी नहीं देंदी, लोन दे दे है कट दे ही जमीन के मारे, रेट पर हमने पौधे को नहीं क्या मतलब पाड़ा भाई आ कोई लोग को जतन पाड़ने का। जी गवर्नमेंट ने लोन दे दिया उसने भाव भी दे दो भाई, कम से कम पैड तो लेगा, ये तो भूखे मरा। कितने भाव चाहो, क्या चाहो, हाँ क्या रेट चाहो, गन्ने का रेट चाहवा 450 रुपये, 450 रुपये